नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हवाई मेट पैटी 8 एल्ट वर्सेस नोकिया T20 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टैब के डायमेंशन की। दोनों टैब की लेंथ की बात करें तो पैटी 8 एल्ट में 7.86 इंच जबकि नोकिया T20 में 9.75 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो पैटी 8 एल्ट में 4.77 इंच जबकि नोकिया T20 में 6.2 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो पैटी 8 एल्ट में 0.33 इंच जबकि नोकिया T20 में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पैटी 8 एल्ट में 310 ग्राम जबकि नोकिया T20 में 465 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि पैटी 8 एल्ट से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही इप्स एलसीडी की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पैटी 8 एल्ट में 8.0 इंचेस जबकि नोकिया T20 में 10.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पैटी 8 एल्ट में 800x1280 और नोकिया T20 में 1200x2000 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पैटी 8 एल्ट में 77% जबकि नोकिया T20 में 78.94% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पैटी 8 एल्ट में 189 पिक्सल प्रति इंच जबकि नोकिया T20 में 224 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स की जो कि टैब का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पैटी 8 एल्ट में एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और नोकिया T20 की बात करें तो इसमें भी हमें एक कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पैटी 8 एल्ट में दो डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और नोकिया T20 की बात करें तो उसमें तीन डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों टैब में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि तीन डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो टैब में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पैटी 8 एल्ट में पावर GE8320 जबकि नोकिया T20 में माली G52 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पैटी 8 एल्ट में मीडियाटेक MT8768 और नोकिया T20 में यूनिसॉफ्ट T610 मिलता है। बात करें रैम की तो पैटी 8 एल्ट में 2GB की रैम मिलती है जबकि नोकिया T20 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 3GB 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पैटी 8 एल्ट में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि नोकिया T20 में दो वेरिएंट देखने को मिलता है जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो पैटी 8 एल्ट में अप टू 512GB जबकि नोकिया T20 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पैटी 8 एल्ट में एंड्रॉइड V10 जबकि नोकिया T20 में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी पैटी 8 एल्ट में 5100mAh जबकि नोकिया T20 में 8200mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों टैब में सेम ही एक कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पैटी 8 एल्ट में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 14,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोकिया T20 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो हवाई मेट पैटी 8 एल्ट में 3 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें नोकिया T20 की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है।
फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों टैब सेम ही है। मेन कैमरा में नोकिया T20 आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों टैब सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों टैब सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे टैब को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें iCal N18 है, दूसरा लावा ऑरा है, तीसरा मोटो टैब G20 है और लास्ट कॉम्पिटिटर टैब की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 लाइट एल्ट है। और ये सारे टैब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।